हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? तो भैया, आज मैं घर आया हुआ था। आज का मेरा शेड्यूल ख़राब है, समझ लो कि रूटीन ख़राब है। आज का संडे का तो रूटीन ख़राब हो ही गया। मैं आया हुआ हूँ गाड़ी के चक्कर में, क्योंकि मेरा जो गाड़ी है ना, जो मैंने बुक करी थी, देने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं, अभी देखते हैं। आज लास्ट अगर मिल गए यहाँ से तो ठीक है, नहीं फिर गुरु जी तो बोल ही रहे थे कि कोई नहीं, मैं यहाँ से दिलवा दूंगा, तो फिर दिल्ली से ही कर लेंगे, दिल्ली नंबर निकलवा लेंगे। चलो अभी थोड़ा सा डाइट वूट लेके, अभी एक प्रॉब्लम और आया हुआ है। और आज भाई एक प्रॉब्लम और आया हुआ है। ये पहले पता क्या है, तो दिक्कत आई थी पीछे तो ठीक हो गया था, अभी फिर ये 2 दिन से ऐसे ही कर रहा है। कल संडे, कल शनिवार के शाम से ऐसे ही कर रहा है। अब इसलिए चलते हैं इसको केयर में, देखते हैं कि क्या बोलते हैं केयर वाले। फिर मैंने अपडेट करके भी देख लिया सॉफ्टवेयर, इसमें अपडेट करके भी देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चलो पूरी रात ऐसे ही आँख हमारी है, हम दिन में देखते दिखवा के। पहले तो कुछ खा पी लो। हैं? नहीं अभी नहीं, अभी तो आए हैं। तो भाई मेरे को तो जाना था शोरूम में, तो अभी भाई लोन वाले आए हुए हैं, देखो बात चल रही है क्या होता है क्या नहीं। तो भाई पहुंच गया एप्पल के स्टोर में, देखते हैं कि आईपैड में क्या होता है, अभी यहाँ क्या बोलते हैं। लोन वाले का भी बात बताता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई मैं तो सोचा था मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम आती है। पर यहाँ तो और भी बंदे बैठे हुए हैं, लाइन में लगा पड़ा, तो नंबर लगा हुआ है, बहुत दिक्कत आती है प्रोडक्ट में। इधर देख लो, इधर भी है। तो भाई ऐसा है, दिखा तो दिया हूँ, कह रहे हैं कि भाई डेड होने का चांस है, डेड भी हो सकता है। तो चाहे डेड हो चाहे फिर चालू हो जाए, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो जमा करवा दिया, आधे घंटे बाद देखते हैं क्या होगा। अभी चलो लोन की तरफ चला जाए। तो भाई फिर से पहुँचे हुए हैं एप्पल के स्टोर में, केयर में, देखते हैं कि अपना आईपैड ठीक हुआ या डेड हुआ। चलो तो भाई, ना तो आज आईपैड का काम हुआ, ये मैं आज 55 पेज निकलवा के लाया था, 55 पेज 55 पेज। और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक रह गया, ये है बिजली बिल, ठीक, लेटेस्ट बिजली बिल निकलवा के मांग रहे थे, तो उसमें भी एक गड़बड़ आ गई है। और गड़बड़ यह है कि इसमें ना बिजली बिल में जो नंबर लिंक है, मेरे पापा का नंबर लिंक है, लेकिन उसमें भी एक अक्षर मिस्टेक है, तो OTP नहीं आया, तो लेटेस्ट बिल नहीं निकला। बाकी ये तो जो मैं अमाउंट भरता हूँ पर मंथ, जैसे बिजली बिल का जो आता है वो है ये चीज़, कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। अब चाहे जो हो जाए, जैसा भी हो, कुछ हो या ना हो, तुम्हारा भाई चला शूँ दिल्ली, चल के वहाँ पे अपना करते चल के वर्कआउट, क्योंकि आज की डाइट ख़राब, कल की डाइट ख़राब, 2 दिन ख़राब। अरे मेरे को बड़ा अफसोस होता है जब मेरा जिम स्किप होता है, डाइट स्किप होती है, तो बहुत बेकार लगता है, मज़ा नहीं आता लाइफ में। तो ये सब काम ऐसा है, होती रहेगी, हो या ना हो, इतनी ज़रूरी काम नहीं है जितना अपना वो ज़रूरी है। घर पापा बिजली बिल का तो काम करवा लेंगे बिजली ऑफिस में जा कर, या फिर बाहर से ही करवा लेंगे, CSC सेंटर सोंटर पर बता दिया हूँ कैसे होगा। नंबर का एक अक्षर मिस्टेक है, उसकी वजह से काम फिर रुक गया होते होते। तो आ जाओ दोस्तों, चला जाए भैया दिल्ली अपना, वहीं सब कुछ ठीक है। यहाँ तो फालतू में आता हूँ, कोई भी काम नहीं हुआ, एक भी काम। चलो खैर कोई नहीं, अब घर है तो मम्मी पापा से मिलना तो चलो आएगा। बस 2 दिन का प्लान रूटीन ख़राब हुआ है, गेमिंग का, संडे और मंडे। चलो खैर अब स्टार्ट करते दोबारा से। तो दिल्ली में लगता है बारिश हुई है बड़ी तेज, पूरा जाम पड़ा ऊपर वाला। मैं तो नीचे से जा रहा हूँ भाई, बड़ी मुश्किल से निकल गया। खैर बाइक के फायदे तो हैं, तो भाई इसे भी दिल्ली कहते हैं। बाकी पूरा रोड खाली मिला था, मैं नीचे नीचे भाग रहे, देख लो नीचे हाल भी वही है, ऊपर भी वही हाल है, देखो पूरा जाम लगा पड़ा बिल्कुल आगे तक, जहाँ से दिल्ली की मेन एंट्री है। तो जितना भाई पानीपत से यहाँ तक आने में टाइम लगा, इतना ही टाइम मुझे फ्लैट में जाने में लगा, क्योंकि जिस हिसाब से जाम लग रही है ना, थोड़ी सी बारिश हुई है यहाँ पर, मेरे ख्याल से लगता है कि जम तो जब ये हाल है। चलो निकाल लेते हैं पहले जाम सब बाहर। हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा देखो डाइट शेयर करता रहता हूँ, और जिस हिसाब से मेरी डाइट है, जैसा कि मैं आप सबको पता है कि मैं अभी गेनिंग स्टार्ट किया हूँ, जो मेरा नेक्स्ट कंपटीशन होने वाला है दिसंबर में, तो भी मैं बहुत ही बढ़िया गेन करने वाला हूँ। मेरा टारगेट है 90 kg से 95 kg तक, तो इतना डाइट लेने के बावजूद भी मेरी बॉडी लीन रहती है, तो मैं थोड़ा इसको एक्स्ट्रा मसल्स मास बढ़ाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डॉक्टर चॉइस का ये बल्किंग। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप ये डॉक्टर चॉइस का बल्किंग ऐड करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि प्रोटीन मिलता है जिससे रिकवरी हो जाएगी, क्रिएटिन भी मिलता है जिससे स्ट्रेंथ
स्टेमिना इंक्रीज होगा आपका, मसल्स की रिकवरी होगा, और साथ ही मिलता है इसके अंदर ग्लूटामाइन जो कि मसल्स की रिकवरी के लिए, प्रॉपर मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ही बेस्ट है। और साथ ही इसके अंदर मिलता है आपको MCT ऑयल। जैसे काफ़ी सारे भाइयों को देखे होगा कि जैसे मतलब काफ़ी सारे भाइयों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि उनको भूख ही नहीं लगता, तो काफ़ी सारे कमेंट भी आते रहते हैं अक्सर कि भाई हमें तो भूख ही नहीं लगता, कितना ही तो ज़्यादा डाइट नहीं ले पाते हम। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर चॉइस का बल्किंग ऐड कर लो, और आपको दिन में कम से कम 2 टाइम यूज़ करनी है। आपको अगर आप जैसे बढ़िया गेनिंग चाहते हो तो चीकू का शेक बना के ले लो, या फिर आप बनाना शेक में भी इसको एक स्कूप मॉर्निंग और एक स्कूप इवनिंग में आप ऐड करो, आपको बढ़िया भूख लगेगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप डाइट खाओ, जैसे ओट्स हो गया, हालांकि मैं डाइट आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूँ हमेशा, तो वही डाइट फॉलो करनी है, हेल्दी फूड, बाहर का जंक फूड नहीं खाना। जो भी आपका वेट इंक्रीज होगा वो बिल्कुल मसल साइज यानी कि प्योर मसल्स निकल के आएगा, ना कि एक्स्ट्रा फैट आएगा, जैसे फेस मोटा हो जाना, पेट निकल जाता है, वो वाला फैट नहीं आएगा। तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, अभी बाई करो, डिस्काउंट के लिए मेरा कोड जरूर यूज़ करना DCPankaj07। और सबसे ज़रूरी बात है जो ध्यान देने वाली है, कोई सा भी सप्लीमेंट आप यूज़ करो, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि सप्लीमेंट आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि हमारा डॉक्टर चॉइस का ये बल्किंग है, ये लैब सर्टिफाइड है, कि वेबसाइट पर आपको लैब रिपोर्ट मिल जाएगा। तो बेझिझक जाओ बाई करो, और मेरे साथ आप भी आ जाओ, शामिल हो जाओ, चलो साथ में मिलकर करते हैं गेनिंग डॉक्टर चॉइस के साथ। तो फाइनली भाई देखो, पानीपत में जाकर धक्के खा के आ गया हूँ, काम जिस काम के लिए गया था कोई सा भी काम नहीं हुआ, ना ही आईपैड ठीक हुई, आईपैड बंद ही हो गया, उसका जो अंदर का बोर्ड है ना वो काम नहीं कर रहा। और गया था गाड़ी के लिए, जो कि मैं लोन करवा रहा हूँ, तो लोन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो कर करा के आया हूँ सारे कागज़ कुछ पूरे, तो 2 दिन का टाइम मांगे, अगर 2 दिन में डन हो जाती है, देखो मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर अगस्त सितंबर 2 महीना गाड़ी की सोचनी नहीं है, क्योंकि पहले करनी है गेनिंग भाई हैवी वाला, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ना पहले हम अपना काम पर ध्यान देते हैं, गाड़ी तो खैर ऐसा ही है कि खर्चा होने वाली चीज़ है, तो सबसे पहले हमारा गेम ज़रूरी है, सबसे पहला हमारा कैरियर ज़रूरी है। गाड़ी गुड़ी तो खैर आती जाती रहेगी, सिविल स्कोर बढ़िया है, फिर भी थोड़ा सा दिक्कत यह रही कि मैंने कभी RTR भरे नहीं, तो अभी मैंने RTR भी फाइल कर दिया। तो अगर नहीं भी आती है बाई चांस तो कुछ टाइम बाद इसको पोस्टपोन करूँगा, फिर कुछ टाइम बाद लूँगा, फिलहाल तो चलो चल ठीक है। सुबह नहीं आया, पानीपत गया। तो सुबह देखो संडे वर्कआउट लगा, मंडे मॉर्निंग का वर्कआउट मिसिंग है, तो अभी हेच के लगाएंगे शोल्डर की वर्कआउट बढ़िया वाला, क्योंकि भाई बॉडी कह रही है कि भाई वर्कआउट कर, गेनिंग पे हूँ, सारा सामान लोड है, डाइट थोड़ा सा मिसिंग है, तो डाइट तो मैंने कर दी है यहाँ पे आने के बाद पूरा। चलो फिरते हैं गुरु जी से पूछते वर्कआउट में, शोल्डर लगाऊँ शुरुआत करेंगे। ए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सेक्टर 12 में फ्लैट ले ली मैंने। तो भाई कभी ये वाला डिप्स ट्राई करना, ये ऑल बॉडी के लिए है, बैक बुक की दर्द भी ठीक हो जाएगी, इतना ध्यान रखना, कड़ाके नहीं करते हैं भाई। और शोल्डर के लिए तो खास करके बहुत बढ़िया वर्कआउट ये डिप्स, सपाटा ही बोल दो। फ्रंट बारबर प्रेस मार, रोड के साथ मारी थी ना, हाँ फ्रंट बारबर प्रेस मार करना, और वाइट मारियो इतनी रोड में पकड़ी इतनी तक इतना, और ये मारियो खड़े हो वन खड़े होके हैवी 6-8 रेप किए बस दे दो। तो भाई लो वर्कआउट पूरी फॉर्म में आ गया, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, बस फुल हैवी मारनी है, रेपुटेशन जैसा कि गुरु जी ने बताया 6-8 रैप चाहिए, तो पहला ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 20 किलो इस साइड, 20 किलो इस, 40 किलो विथ रोड, रोड का मैं काउंट करता नहीं है। तो भाई तीसरा सेट है, 20-20 तो मैंने 2 लगा दिए, पहले में लगाए थे 10 रेपुटेशन, दूसरे में निकल गई 8, अब आ गया 25-25, देखते हैं उठता भी है नहीं। हाँ
तो तीन सेट हो गए। और ये मैं देखना, जैसे हाफ लेके जा रहा हूँ ना मैं, हाफ फिर हाफ मोशन में मारता हूँ। पहले मारता था फुल रेंज ऑफ मोशन, बट अब थोड़ा तरीका चेंज है। शोल्डर हैवी करने है तो थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा। वैसे क्या देख के क्या लगता है, रिजल्ट आ रही है गेनिंग में? शोल्डर भी सही हो रहा है, पीछे से डेल्ट भी आग लगा देने अब की बार गेनिंग में। तो दूसरा भाई डंबल प्रेस और पूरी हैवी रेपुटेशन, जैसा कि लाइट है। तो भाई ऐसा गेनिंग थोड़ी होगी हल्के हल्के वेट में। आज आ जाओ, बड़े दिन बाद ट्राई करूँगा 35 किलो। ना उठे तो मजाक मत बनाना। चार लग गए भाई, 5 सेट जान निकल गई। ये आगे लगे ना यहाँ पर। अच्छा, तो पर डे अलग अलग पंप दिखाई देगी बॉडी में पर डे, डे के हिसाब से, क्योंकि माल अपना काम करने लग गया। नेक्स्ट 15 से। तो आज भाई लास्ट लगाते हैं इसका 17.5 से, बस ज़्यादा फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। ये वाली लास्ट वर्कआउट है बस, जैसा कि गेनिंग में सिर्फ 4 वर्कआउट, एक टाइम 4 वर्कआउट ऐसा चल रही है। तो ये वर्कआउट शोल्डर में ज़रूरी होती है, हालांकि मेरे को पहले नहीं पता था, अब मालूम चल गया। तो जितना हो सके हैवी लगाओ भाई, गेनिंग चल रही है, हम तो लगा रहे हैं, आज से स्टार्ट करें। अच्छा, ये लगा नहीं, आ जाइए पंप बढ़िया कर। अब लग भी रहे, साइज साइज ही है बस है ना? अभी भी देखियो ये फाइबर दिख रहे शोल्डर में। अभी तो भरेगा इसमें, अच्छा अभी जब उस पे 10 पे पहुंच जाएगा तो 15 घुमा घूमेगा। अच्छा, तो चाहिए भी यही वाला आपके पास? अरे मस्कुलर हमें तो भाई भरना है। हां, और भरता किससे? सिर्फ ग्लूकोज से। ऐसी क्या चीज है जो सारा सिर्फ सिर्फ ग्लूकोज है ना? हम डाउन हुए, ग्लूकोज डाउन, हम डाउन हो जाते हैं। हां ठीक है, हम मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हो कि हमारा साइज साइज लगा घूम तो लास्ट वर्कआउट अपना अपराइट, और ये भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 15 kg से। Oh.
ना ना बस घेवर बोल सीजन सीजन किसका था कल अच्छा अच्छा हाँ हाँ मुझे भी कहीं हैप्पी बर्थडे विश किया मैं देखी थी मेरे भी कराते मेरे भी बहुत विश करा स्टोरी लगे तो हाथ उठा जैसे विश करा मोयल में मन की दार पूरे तो लोग मैसेज कर रहे हैप्पी बर्थडे मंगा किसका बर्थडे करके मैंने डिलीट कर दिया आज ब्रूनो कुछ कर आया होगा एप्स क्लियर बेटर हो गुरु जी बेटर उल्टी है उल्टी है उल्टी चलो आ जाओ भाई आ जाओ दिन आ जाओ चलो मैं थोड़ा खाइयो खाओ भाई खाओ खाओ तूने तो चम्मच ही तोड़ दी चाकू ही तोड़ दी गलत बात है जब एक्स्ट्रा बजा तो मेरा मूड भी सड़ा था साला मेरी माल तो रहेगा भाई अपने पापा से भाई मेरी पटरी यार बस मुझे लग रही भाई दोबारा कॉल ना आ जाए मेरी पटरी मैंने 1:30 बजे तो मैं भैंस नींद मैं 1:30 बजे 1:45 बजे मैंने कहा तू पहुंच गया ना पहुंच अपने घर अच्छा उस दिन अच्छा मैसेज भी थोड़ी लेट कर आया ना बार बार देखो आया ना तो अब तक ना मैसेज अब तक ना कर हां पहुंच गया चलो ठीक है तू कॉन्फ्रेंस पे ले ले चुपचाप अपना पापा पापा बात करो टाइम बजा पहले मेरी से पट्टी गाड़ी में हूं मैं 1:00 बजे यार कहीं शांति बैठा हां जी हमारे साथ ही है बस निकाल रहा हूं बाहर निकल गया चलो गुरु जी मिलता हूँ सुबह तो हाँ जी दोस्तों देखो हो गया वर्कआउट फिनिश आज जैसा वर्कआउट हो ना अभी पीछे मज़ा नहीं आया था किसी में लगाने लेकिन आज इतना मज़ा आया हैवी वेट मारा पंप हुई शोल्डर दिल खुश हो गया बस ये है कि पूरा दिन डाइट स्किप रहा है आज मैं कुछ भी डाइट नहीं खाया हूँ कुछ भी लंच तक नहीं कर पाया गाड़ी गुड़ी के चक्कर में और बस क्या ही बताऊँ यार डिस्टर्बेशन ओ क्या बोलते हैं बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं ना रूटीन तो बड़ा दिमाग ख़राब होता है यार इतना पैसा लगा रहे तो मेडल हाथ में होना चाहिए ना उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो चलो कोई नहीं अभी थोड़ा बहुत रिकवर कर लेते हैं ये पी लेते हैं प्रोटीन रिकवरी होती रहेगी फिर घर चलेंगे फिर डिनर कर लेंगे ढंग से और कल सवेरे मॉर्निंग से करना है दवा के रूटीन फॉलो अब बाकी देखी जाएगी गाड़ी मिले तो ठीक ना मिले तो भी ठीक अब टेंशन भड़क नहीं लेना अब बस लग जाना है जम के अब स्किप नहीं करना कुछ भी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।